सहारा बैंक के ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। निवेशकों की आंखें पथरा गई कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते। रेल नगरी गोमो के खेसमी स्थित सहारा इंडिया ब्रांच में पैसे भुगतान को लेकर सैकड़ों ग्राहकों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। ग्राहकों का आरोप है कि हम लोगों का मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी डेढ़ सालों से पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ झूठा आश्वासन देकर हम लोगों को भेज दिया जाता है। मौके पर द चेंबर ऑफ कॉमर्स गोमो के अध्यक्ष धीरज कुमार ने कहा कि लोग अब ब्रांच वालों के झूठे वादे से परेशान हो गए हैं। कई घरों के लोग बीमार हैं। शादी का कार्ड लेकर कई महिलाएं ब्रांच का चक्कर काट रही हैं। उनकी बेटियों की शादी है, अब पैसा नहीं मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा। मात्र लगभग 150 करोड़ रुपए का भुगतान कर सका है। यह एक देनदारी के दोहरे भुगतान की अपनी तरह की अकेला मामला है। ये घटना ये है, इसको बारीकी से समझिएगा। हाँ, जो हम लोग द चेंबर ऑफ कॉमर्स संस्था की ओर से बैनर में हम लोग लेटर हेड में दे रहे हैं इसे कि आप एक ठोस निर्णय लीजिए कि आखिर लोगों का भुगतान कैसे होगा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पैसा जमा किए हैं आप अच्छी तरह जानते हैं सभी का मेहनत का पैसा है। अगर कोई 200 कमा रहा है उसमें से 100 रुपया पार्टी निकाल रहा है और ये प्रेशर आपके एजेंट के द्वारा किया गया, कोई दूसरा ने नहीं किया। आपका एजेंट जाता है दुकान दुकान में घर घर में, सारे लोग से 100 रुपया 50 रुपया पर डे के हिसाब से लेता है। लोग तो अपना काट के जमा कर दिया है, चलो साल में पूरा होगा तो हमको कुछ पैसा मिलेगा। मिला ये नहीं बोलते, सहारा अच्छा चला, लेकिन फिर भी आज जो स्थिति है, एक तो लॉकडाउन का मार, दूसरा सहारा दिया पेमेंट ना हो, ये दो परिस्थिति में लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुका है। हम सर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास हम लोग आए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बात करने आए हैं, हमको सिर्फ ये बताइए कि इसका पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि देखिए पूजा भी नजदीक है, बहुत सारे व्यवसायी भी अपना पैसा जमा किए, कुछ नाते उनका बहुत सारा का है जो कि इसी आशा में था कि भाई पैसा जमा किए तो हमको मिलेगा तो हम मांग कर लेंगे। बहुत लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि एक ठोस समय दीजिए हम लोग, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे। वो दस दिन कब आएगा? बताइए क्या समस्या हो गया है सहारा इंडिया बैंक में? सहारा इंडिया की जो जितना भी निवेशक है प्लस हम लोग सारे व्यवसायी, हम लोग इंतजार करते करते लास्ट में सब्र हम लोग का ख़त्म हो गया है। मान लिया आज 15 महीना से किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है, लोग अपना जो भी बचा खुचा के कुछ पैसा जमा किए थे और उनको किसी को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और आश्वासन दे के लोग भेज देते हैं। और आज हम लोग अपने संस्था द चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायी एवं आम निवेशकों के साथ हम लोग सभी आए हैं यहाँ पर कि आप एक ठोस निर्णय बताइए, एक ठोस निर्णय लीजिए कि आखिर कब तक हम लोग इस तरह का आश्वासन घूट पीते रहें। हम लोग यहाँ विवाद करने नहीं आए, हम जानते हैं कि ये लोग का अभी देने का क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आवाज़ को ऊपर तक रखें कि लोग परेशान हैं। इसलिए किसी का शादी का काम रुका हुआ है, किसी का व्यवसाय में रुका हुआ है, लोग अपना जो भी लाभ है उससे बचा कर ही, बचत करके ही जमा करते हैं। मैनेजर से क्या बोला जाता है बैंक में? बैंक मैनेजर का कहना है कि देखिए हम लोग भी ऊपर से ही आदेश आएगा उसके बाद ही पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए कि इनका जो है मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। तो हम ये नहीं कहते कि भाई आप अपना पॉकेट से दीजिए, हम लोग जान रहे हैं कि आप लोग भी समस्या है, लेकिन कम से कम इस बात को ध्यान रखिए कि किसी का पेमेंट आप बाहर ही बाहर करा दे रहे हैं। मान लिया कुछ ऐसा भी गरीब है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, उसको आप बरगला देते हैं, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप अपना परिचय दें।
हम धीरज कुमार द चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोमो अध्यक्ष। क्या समस्या हो गया है? समस्या है, पहले मैं झारखंड टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस बात पर आए हैं, हम लोग के साथ आए हैं। आपको भी बहुत धन्यवाद, आप इस बात को सबके सामने गोमो धन्यवाद जैना मोड़ खुसरो करगली ये सभी ऑफिस में आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं निवेशकों जब पैसा जो है डेढ़ साल से आते हैं तरह तरह का डेट देते हैं, झूठ बोलते हैं मैनेजर सेक्टर मैनेजर और आपका क्षेत्रीय मैनेजर दोनों ही झूठ बोलते हैं कि पैसा 10 दिन के बाद आएगा 20 दिन के बाद आएगा। कुछ निवेशकों क्या है 10 लाख रुपये है, यदि 10 लाख बोले का 1 लाख रुपया हमको पेमेंट दीजिए और बाकी बोले बाकी पैसा बाकी आप रीइन्वेस्ट कीजिए। ये कहाँ का ये है जो अपना पैसा है समय पर अभी अभी देख अब भी देखे हैं कि कुछ शादी का कार्ड भी आपके पास आया था, कुछ आदमी मर भी गए हैं पैसा उनका नहीं दिया है, अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। खुद मेरा भी 7 लाख रुपये 8 महीना हो गया, एजेंट को बोलते हैं तो एजेंट क्या करेंगे बोलिए, एजेंट बोल के सर हम आपका पैसा जमा हुआ है आपको मिलेगी, लेकिन कब मिलेंगे देखिए अभी भी बोल रहे हैं। अभी भी मैनेजर साहब से मैंने बात किया, 11 रीजन है 11 RM है 11 RM ने 38 करोड़ रुपये का लोग बोले डिमांड किया, अभी बात को जब मैंने खोचा मारा तब इन्होंने 38 करोड़ का बात अभी आया इस बात पर आया। तो अभी हम लोग सभी हमारे निवेशकर्ता डेली खाता वाले हैं पेंशनर वाले हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हमारे धीरज बाबू आए हैं, ये बात हम लोग आज मैनेजर द्वय के साथ रखे सेक्टर मैनेजर और क्षेत्रीय मैनेजर के साथ ये कब तक हम लोग आश्वासन देते हैं। अभी एक बार और पूछेंगे कि क्या सर अभी मैंने बात किया कि ये लखनऊ जो हेड ऑफिस है सारा इंडिया ऑफिस पे हम लोग डायरेक्ट बात कराइए, ओपी श्रीवास्तव है बोकारो में सुंदर झा जी है इनसे हम लोग को बात कराइए, आप तो है यहाँ पर बैठे हुए हैं आप झूठ बोलते हैं पैसा किसी को नहीं देते हैं। कई महिला देखे आते रो रहे हैं कि मेरा सर पैसा है नहीं दे रहे हैं क्या करें, आने में खर्चा होता है कतरस से आते हैं क्या उसको नहीं होता है, हम ही आ जाए हैं कॉलेज छोड़ के मैं आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरनाथ दे, मैं रसायन विज्ञान के व्याख्याता हूँ PNM इंटर कॉलेज में गोमो गोमो। हाँ सर, सहारा का पैसा लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? जी सर, मेरे सम्मानित निवेशकर्ता और कर्तव्यवीर कार्यकर्तागण की जो साथीगण हैं उनकी भुगतान में थोड़ी विलंब हुई, उसका वजह यह था कि लंबे पीरियड से हमारी संस्था सेबी और सहारा के प्रकरण में जूझ रही है जिसमें आप भली भांति पेपर में लगातार आपको देखने को मिला है आपने देखा भी है। चूँकि 8 सितंबर 2021 के डेट में भी सारे प्रपत्र के माध्यम से आपके समक्ष में वो पूरी वस्तु स्थिति को अवगत कराई गई, आप सब ने वो देखा है कि जिस कारण से आपने देखा है कि जिस कारण से उन 24,000 करोड़ रुपया से भी सहारा के अकाउंट में पड़ा हुआ है वो नहीं मिलने के कारण थोड़ी सी असुविधा हुई। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि वर्तमान में हमारी एक संपत्ति MB वैली का संपत्ति का कुछ शेयर भाग आपके किसी विदेश के किसी बिजनेसमैन से उसकी कुछ परसेंटेज पार्ट को सेल किया गया है उसको दिया गया है, उसके एवज में 14,700 करोड़ रुपये आए हैं, परंतु 14,700 करोड़ की क्लियरेंस के लिए ED के समक्ष में उपस्थित होना है सशरीर उपस्थित होना है, परंतु वर्तमान में एयर इंडिया अभी इंटरनेशनल हवाई उड़ान बंद कर दी है जिस कारण से कोई भी व्यक्ति अमेरिका से भारत अभी फिलहाल नहीं आ पा रहे हैं, जिस कारण से ED के समक्ष में उपस्थित होकर के 14,700 करोड़ के बारे में अवगत नहीं कराया जा रहा है, और दूसरी ED कार्यालय के द्वारा हमें अभी तक समय नहीं मिल पाया। अगर जितना जल्द ED कार्यालय से हमको समय मिलेगा उतना जल्दी मेरी वो पैसा क्लियर होगी और मैं तुरंत उसी के डेट के आधार पर हम अपनी डेट को निर्धारित कर करके भुगतान पूरी रफ्तार के साथ करेंगे। ऐसे मैं वर्तमान में प्रत्येक दिन छोटे निवेशकर्ताओं के भुगतान प्रत्येक दिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कार्यालय से भुगतान नहीं हो रहे हैं, भुगतान जारी है, मेरे सम्मानित जमाकर्ताओं की भी जारी है मेरे कार्यकर्ताओं की भी जारी है, लेकिन कुछ तत्व जो हैं वो हमेशा ही चाहते हैं कि मेरी सारी पैसा मुझको ये प्राप्त हो जाए और इसी कारण से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है
वर्तमान में उनको भी भुगतान पार्ट वाइज एक कर कर करके उनको दिया जा रहा है और ये पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे कि आपकी भुगतान हम अपने संस्था के द्वारा करवाएंगे। ये मेरी भी वचनबद्धता है, मेरे अभिभावक परम पूजनीय माननीय सारा सर महोदय का भी वचनबद्धता है। सर अपना परिचय दें। मेरा परिचय है, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं वर्तमान में गोमो का रीजनल वर्कर के रूप में कार्यरत हूँ और मेरे अधीनस्थ 10 कार्यालय हैं और 10 कार्यालय के अधीनस्थ ये सारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं। सारे सम्मानित जमाकर्ताओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार कम से कम 8 सितंबर 2021 का पेपर को जरूर उसका अध्ययन करें, उसमें सारी परेशानी बताई गई है। थैंक यू।